आनंद एल राय ने मुंबई में मेरठ बसाने के लिए काफी मेहनत की है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख की अपकमिंग फिल्म जीरो का फैंस इंतजार कर रहे हैं। फिल्म जीरो के लिए न केवल कलाकारों ने बल्कि पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की है। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय ने खुलासा किया। डायरेक्टर आनंद एल राय ने न सिर्फ मुंबई में एक अद्भुत सेट तैयार कर मेरठ को रिक्रिएट किया, बल्कि छोटे शहर से स्थानीय लोगों को मुंबई बुलाया ताकि फिल्म में प्रामाणिकता नजर आए। अपनी फिल्म में एक जबरदस्त फील देने के लिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ने सेट पर शहर का रंग जमाने के लिए विशेष रूप से मेरठ से 300 कलाकार मुंबई बुलाए। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मुंबई शहर की फिल्म सिटी में एक विशाल सेट का निर्माण किया, जिसमें मेरठ शहर के प्रतिष्ठित घंटाघर और मेरठ की सड़कों को रिक्रिएट किया गया, जबकि आनंद एल राय ने मेरठ शहर को दर्शाने के लिए जूनियर कलाकारों को जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन साथ ही निर्देशक ने मेरठ के स्थानीय कलाकारों को भी फिल्म से जोड़ा ताकि वो असली रंग दे सके। फिल्म जीरो में अहम भूमिका निभा रहे जिशान अयूब ने शाहरुख खान को मेरठ का हाव भाव और बातचीत करने का तरीका अपनाने में बेहद मदद की, क्योंकि फिल्म में बउआ सिंह शहर के मेरठ के रहने वाले हैं और जिशान असल जिंदगी में मेरठ से ही ताल्लुक रखते हैं। जिशान शाहरुख के साथ मेरठ की भाषा में ही बातचीत किया करते थे, जिससे उन्हें वो भाषा सीखने में मदद मिल सके। आनंद एल राय इससे पहले अपनी फिल्म रांझना और तनु यजमानु में बनारस और कानपुर के छोटे शहरों को रिक्रिएट कर चुके हैं। फिल्म जीरो में शाहरुख खान बौने बउआ, अनुष्का शर्मा एक लकवा पीड़ित सेरेब्रल पॉल्सी की पेशेंट साइंटिस्ट और कटरीना कैफ एक बॉलीवुड सुपरस्टार बबीता कुमारी का किरदार करती नजर आएंगी। We'll be right back.